तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं Redmi Y सीरीज की, तो दोस्तों यहाँ पर Redmi अपने एक के बाद एक स्मार्टफोन को लॉन्च करते गया और यहाँ पर उसने ज़्यादा कुछ सुधार नहीं किया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें Redmi Y 4 की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और साथ ही दोस्तों ये एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्लिप कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि एक ही कैमरे को दोस्तों आप सेल्फी के लिए भी या फिर बैक साइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है और साथ ही सेकेंडरी सेंसर आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेटअप काफ़ी दमदार आपको देखने को मिलने वाला है और साथ ही दोस्तों इसका मेन हाईलाइट इसका कैमरा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लिप कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि आप सेल्फी के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ ही बैक साइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है और काफ़ी क्लियर स्मार्टफोन होने वाला है। और साथ ही बात करते हैं अगर इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट, जो कि दोस्तों एक बहुत ही दमदार चिपसेट है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें गेम वाइज, तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी मस्त होने वाली है। यहाँ पर आपको कोई भी लैगिंग या फिर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही अगर डिस्प्ले टाइप की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, जहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक फुल व्यू डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको कोई भी नोच देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके स्टोरेज एंड रैम के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4GB का रैम और साथ ही यहाँ पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर सिक्योरिटी की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको पैटर्न पिन एंड पासवर्ड देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही गाइस अगर बात करते हैं फाइनल इसके प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो दोस्तों इसकी लॉन्चिंग डेट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसकी प्राइस लगभग दोस्तों 12 या 10 हज़ार के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10 या 12 हज़ार में ही काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सच में ये एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है और ये एक बजट स्मार्टफोन भी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको Redmi Y सीरीज के और सभी स्मार्टफोन से काफ़ी अलग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों Xiaomi कब तक इस स्मार्टफोन को लॉन्च करता है और सच में दोस्तों इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर भी मैं आपको ऐसे वीडियो दे पाऊँ। तो मिलते हैं और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।